इंडिया एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं एक नई खबर। सांसद रवि किशन ने गोरखपुर के पीपीगंज व कैंपियरगंज में इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव का किया गया उद्घाटन। बोले आमजन को मिलेगी सुविधा। इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव पर बोले सांसद रवि किशन, कहा क्षेत्र के लोगों को मिलेगी सुविधा। मजदूर का बेटा मजदूर नहीं रहेगा, रवि किशन। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने शनिवार को रेलवे स्टेशन पीपीगंज व कैंपियरगंज पर इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह भी मौजूद रहे। सांसद ने इसे क्षेत्र के लोगों की सुविधा में बड़ा विस्तार बताया है। सांसद ने गोरखपुर की कैबिनेटगंज, पिपराइच व सहजनवा विधानसभा में स्थित कई स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की पूर्व मांग की थी। सांसद रवि किशन ने प्रधान नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। सांसद रवि किशन ने कहा कि कैंपियरगंज व पीपीगंज स्टेशनों पर इंटरसिटी के ठहराव से अब यहां के स्थानीय लोगों को इसे पकड़ने के लिए ज्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी, स्थानीय स्तर पर ही यह सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र का भी विकास होगा। सांसद रवि किशन ने कहा कि भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है, जिससे करोड़ों यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रेल की चौमुखी विकास हो रहा है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा महसूस हो रही है। आज यात्रियों को वर्ल्ड क्लास रेल यात्रा की अनुभूति हो रही है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री, रेल मंत्री व सीएम योगी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान सांसद ने अटल आवासीय योजना के बारे में भी चर्चा करते हुए कहा कि अब मजदूर का बेटा मजदूर नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के हित में सदैव प्रयासरत रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाओं से अब गरीब के बच्चे भी पढ़ लिखकर अधिकारी बन सकेंगे। इस अवसर पर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख कैंपियरगंज अश्विनी जायसवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गोपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष कैंपियरगंज धीरज त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष सोनरा गणेश शाहनी, सांसद प्रतिनिधि नगर पंचायत अनिल अग्रहरी, सांसद प्रतिनिधि कैंपियरगंज ब्लॉक अजय गिरी, सांसद पीआरओ व सदस्य मंडल, रेल उपयोगकर्ता परामर्शदाती समिति सदस्य पवन दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा संगम द्विवेदी, जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के बीसी सिंह, वरिष्ठ व्यवसाय रणधीर कुमार दीपू, विधायक प्रतिनिधि गणेश त्रिपाठी, विधायक प्रोफेसर शमशेर सिंह, सभासदगढ़ में रवि शंकर त्रिपाठी, अमित जायसवाल, मनोज साहनी, लोहार यादव, भुवनेश्वर कुछ चौरसिया कुलदीप यादव, दोनों मंडल के मंडल पद अधिकारी में मंडल महामंत्री अजय तिवारी, मंडल महामंत्री अंजन मिश्र, मंडल महामंत्री अंजनी मिश्रा, विपिन पांडे, आकाश अग्रहरी, मनोज जायसवाल, राम धवन सिंह, ओम प्रकाश मौर्या आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद के रूप में आप लोगों की हर मांग को पूरा करना और मैं करता रहूंगा। काहे कि मैं सुपरस्टार बनाए आप लोग, पूरा दुनिया हमको जाना, आज मैं आया हूं। काहे कि हम एगो गरीब लड़का रहे, एगो गरीब पुजारी का लड़का, हमारे कबो के हूं मदद ना कर ले। मैं इस सेवा भाव में आया हूं, गोरक्षनाथ बाबा के यहां पर अपन खड़ाऊ रख के सेवा करत है। यह पूज्य महाराज जी से वचन रहे मोदी जी से कि पूरा सेवा करब, आखिरी सांस तक, अपन आखिरी पसीना तक बहा दे। लेकिन कहीं पर ये न लगेगा रे हीरो आया रहना चल गई ना, हीरो यही रहता है, हीरो यही मकान लिया है नपायन में, अपन कुल काम धंधा शूटिंग करवाता हूँ। छोटे भाई गौतम सिंह जी, माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी, दोनों लोगों का हमारा प्रवेश स्वागत है। सांसद के रूप में आप लोगों की हर मांग को पूरा करना और मैं करता रहूंगा। काहे कि मैं सुपरस्टार बनाए आप लोग, पूरा दुनिया हमको जाना, आज मैं आया हूँ। कहे कि हम एगो गरीब लड़का रहे, एगो गरीब पुजारी का लड़का, हमार कबो के हूँ मदद ना कर ले। मैं इस सेवा भाव में आया हूँ, गोरक्षनाथ बाबा के यहाँ पर अपन खड़ाऊ रख के सेवा करत है। यह पूज्य महाराज जी से वचन रहे मोदी जी से कि पूरा सेवा करब, आखिरी सांस तक, अपन आखिरी पसीना तक बहा दे। लेकिन कहीं पर ये न लगेगा रे हीरो आया रहना चल गई ना, हीरो यही रहता है, हीरो यही मकान लिया है नपायन में, अपन कुल काम धंधा शूटिंग करवाता हूँ।
टीपीगंज में गरीब ही अब गरीब गरीब नहीं रहेगा, कोई हाथ नहीं फैलाएगा, कोई भीख नहीं मांगेगा। अनाज को मुफ्त 3.5 साल से सरकार दे रही, 3.5 साल से 80 करोड़ जनता के मुफ्त में अनाज मिला था, सम्मान मिला था, कुछ महाराज जी सुरक्षा व्यवस्था बोलन, मंदिर से सब कुछ मिला था, महाराज जी का पूरा नजरबार हर चीज, विधायक जी को कसर ना छोड़न, हर एक आदमी का चिंता विधायक जी करलन, जहाँ जहाँ लगे भारतीय जनता पार्टी हर गरीबों के साथ खड़ी। अभी पूज्य महाराज जी 17 तारीख के वो मजदूर कितना लोग है नहीं, हर मजदूर लोग हाथ उठाया, मजदूरी के करेगा मजदूर, जूता चप्पल बस्ता किताब पढ़े का फीस खाना साबुन कुल रहे का व्यवस्था कुल बना देना पूज्य महाराज जी। 18 गो विद्यालय बनल दो अटल आवास में, पूरे प्रदेश में सजनवा में हाथ जोड़ के हमारे चिरौती नहीं रहोगी और आगा अपने भोजपुरिया समाज से कृपया जाए। अब मजदूर का लड़का मजदूर की लड़की मजदूर नहीं बनेगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये पूज्य महाराज जी ने निर्णय लिया है, ये मोदी जी योगी जी का राम राज्य था। अब केहू गरीब का लड़का मजदूर का लड़का मजदूरी ना करी, वो पढ़ेगा, वो IAS बनेगा, वो IPS बनेगा, पुलिस अधिकारी बनेगा, रेल का अधिकारी बनेगा, वो रवि किशन बनेगा। लेकिन आप कहीं मजदूरी नहीं करेगा तो भैया हो, अब मजदूरी मत करवाओ, अपने बच्चा के पढ़ा, सरकार खर्चा कर रही है, 1 रुपया ना लगी, 1 रुपया केहू के ना देने के बाद 12 कक्षा तक सरकार पढ़ाएगी, उसको नौकरी देगी, जैसे अग्निवीर में हुआ, जहां मेरी बिटिया फौज में गई है, हमारी छोटी बिटिया इशिता शुक्ला बंदूक पकड़ ली, तो आज ये देश बदल गया। कभी ऐसा ना रहे, पूज्य महाराज जी का बुलडोजर भी चला था, व्यवस्था भी था, कुल लोगों के उपहार भी मिला था, सौगात मिला था, गोरखपुर आज एक नजीर पेश कर रहा, मांग रहे विधायक जी के चिट्ठी रहे, विधायक जी कहना जनता हमके हमेशा रोकत रहे, दोनों भी कार्यक्रम में हमें जाए तो जनता हमसे कहकर कि सांसद जी भी काम करवा था, फिर इधर से रुकवा था ना, तो बहुत उपाधि हो थे, तो आज सौगात आप लोगों के मिलन बाटे, जाके प्रसन्न है, हाथ उठा के बता रहे, ट्रेन शुरू हो गए, धन्यवाद तो भैया पूज्य महाराज जी के धन्यवाद, हम मोदी जी के धन्यवाद को कहे कि ये बात हम पार्लियामेंट में हमारे अगर उठेबे मिलती है तो पार्लियामेंट में हम बोले थे, यहाँ की ट्रेन की मांग की थी, हमारे रेल अधिकारी यहाँ आए हैं और मांगे थे, हम मोदी जी के कैबिन में गए, हम प्रधानमंत्री जी से बोले हमारे चुनाव बाद, प्रधानमंत्री जी हम जनता में कैसे जाए, कुल काम होता पूज्य महाराज जी गांज देना, केंद्र सरकार से लिया के कुल गांज दी, सड़क या पानी बिजली शौचालय प्रधानमंत्री आवास 6,000 किसान के खाता में, 5 लाख आयुष्मान योजना में इलाज खातिर, अभी सब विश्वकर्मा में विश्वकर्मा योजना भरी बात, जितने भी राजमिस्त्री हैं, दाढ़ी बनाने वाले हैं, जो भी काम करते हैं उन लोगों की याद रखा, 17 तारीख के विश्वकर्मा योजना लॉन्च भई, प्रधानमंत्री जी को दिन जन्मदिन रहे, हम यहाँ लॉन्च किए थे, 1 लाख रुपया मिलेगा आप लोगों को, 1 लाख रुपए के बाद आप लोग 1 लाख रुपए आप लोग अपने हमारे प्रतिनिधि से या विधायक जी के प्रतिनिधि से कृपया आप लोग कॉन्टेक्ट करें, 1 लाख। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।